इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। रेडोटिल 100 मिलीग्राम कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ लिया जाता है। पर्याप्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए इस दवा को मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS के साथ लेना महत्वपूर्ण है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको बंद करने के लिए न कहे। अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव उल्टी और बुखार हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा का उपयोग बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए यदि उनके मल में रक्त या मवाद है, पुराने दस्त, एंटीबायोटिक दवाओं के कारण होने वाले दस्त और गुर्दे या यकृत रोग से पीड़ित हैं। इसका उपयोग 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में भी नहीं किया जाता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रेडोटिल कैप्सूल के लाभ। डायरिया का इलाज। अतिसार आंत्र आंदोलनों की आवृत्ति में वृद्धि या ढीले पानी के आंत्र आंदोलनों में वृद्धि है। यह दवा बार बार दस्त होने से राहत दे सकती है और उन्हें वापस आने से रोककर आपको स्वस्थ रहने में भी मदद कर सकती है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हाइड्रेटेड रहें, इसे लेते समय आपको बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। रेडोटिल कैप्सूल के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। रेडोटिल के सामान्य दुष्प्रभाव। उल्टी करना, चक्कर आना, सामान्य बेचैनी, सिर दर्द। रेडोटिल कैप्सूल का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। रेडोटिल 100 मिलीग्राम कैप्सूल को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।